Assalamu alaikum. Welcome to another video on my YouTube channel. Enjoy your life with the joy of videos. आज की इस वीडियो में हम एक्सपो सेंटर विजिट करने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एग्जीबिशन है और हमें इनविटेशन आया हुआ है। और जिन लोगों को अभी तक एग्जीबिशन जैसी बुला का नहीं पता, वो आज मेरी वीडियो देख के प्रॉपर तरीके से एग्जीबिशन को भी जान जाएंगे और पता लग जाएगा उनको एग्जीबिशन होती क्या है और एक्सपो सेंटर भी इसी वजह से ही मशहूर है। एग्जीबिशन ये होती है यार, डिफरेंट किस्म की जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक जगह इकट्ठी होती हैं और अपनी प्रोडक्ट्स और जितनी भी उनके पास वैरायटीज होती हैं वो डिस्प्ले करती हैं, और जो कस्टमर परचेज करता है उसकी बुकिंग करवाता है तो ऑर्डर के मुताबिक उनको डिलीवरी पहुंच जाती है। पहले तो हमें गेट नहीं मिल रहा था और हम काफी लेट हो गए थे क्योंकि आज आखिरी दिन था और हम आखिरी टाइम पे ही पहुंचे थे। और अंदर एंटर होते साथ जो मैंने नज़ारे देखे हैं वो आप भी देख सकते हैं, लेकिन कैमरे में। अगर आप ये सारे नज़ारे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो जरूर आप देख सकते हैं। आप लाहौर में एक्सपो सेंटर में किसी भी एग्जीबिशन को विजिट करें और ये सारे सीनरी एंजॉय करने के साथ साथ कंपनी के स्टॉल विजिट करें और उनके प्रोडक्ट्स देखें। ये सारी सीनरी एंजॉय करने के बाद तो ऐसा लग रहा था हम पाकिस्तान में ही नहीं है, किसी बाहर के मुल्क में आ गए हैं, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान था जिसके शहर लाहौर में एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की एग्जीबिशन लगी हुई है। ये वो मेन बिल्डिंग एक्सपो सेंटर की जहाँ पे कंपनीज अपने स्टॉल में अपनी प्रोडक्ट्स की बुकिंग करते जा रही हैं। ये फर्नीचर एग्जीबिशन की मेन एंट्रेंस है जहाँ से आपने अब एंटर होना है। तब का बोल के तुम लोग के कान खा रहा हूँ, चुप करके सेन एंजॉय करो, मिलता हूँ बीच में भी आखिर में भी, हर जगह मैंने मिलना है। यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट तो कंपनी भी कर लेती हैं, लेकिन किसी कंपनी को नुकसान हो जाता है, किसी कंपनी को फायदा हो जाता है, कोई नहीं, खैर है, बिजनेस है, चलता है। करने के बाद बाहर आ गया, आपने यकीनन सीन एंजॉय करने के साथ आंखें भी ठंडी की होंगी लाजमी। आपको पता है लाहौर में सर्दी गर्मी कुछ ना कुछ हो रहा है, हीटर के सामने लोग तरबूज खा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या यार क्या चल रहा है, सर्दी है, गर्मी है, क्या है, दरमियाना मौसम है। सारे सीन एंजॉय करने के बाद भूख तो लगनी थी ना, तो हमें भूख लग गई और सीधा हम पहुंचे लोधी शवारमा। इसका मैंने नाम बहुत सुना था कि शवारमा बहुत सिंपल बनाता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत आला है। हम भी अभी ताजे ताजे पहुंचे थे, ये भी अभी ताजा ताजा चिकन बना रहा था। फिर मैंने इसको कहा हमारा कोई जूसी किस्म का लोडरी शवारमा तैयार करना ताकि जूस हमारे मुंह से बाहर आए, ठंड पाती है ना। मैंने इसको कहा बस आंखें बंद करके चिकन डालते रहना, तुम्हारा हाथ ना रुके, बस वाकई उसने यही किया, आंखें बंद करके चिकन डालता गया और चम्मच के इशारे कराता रहा, चिकन विकन बीच में कुछ आया ही नहीं। वीडियो स्लो करके देख सकते हो किसने चम्मच कितनी बार लाया है और डाला कितना है चिकन। बाकी अब टेस्ट की बारी, अब टेस्ट करके पकाया पता लगेगा कैसा टेस्ट है। इसको मैंने शवारमा कहा थोड़ा स्पाइसी करना, इसने स्पाइसी भी नहीं किया था, फिर दोबारा हमें स्पाइसी सॉस करवानी पड़ी थी। अगर इसकी लुक की बात कीजिए तो 10/10 थी, पीछे रह जाती है टेस्ट की बारी जिसके लिए हम इतनी दूर चल के आए हैं। और जिस तरह मैंने इसकी तारीफें सुनी थी, ये तारीफों में पूरा उतरा था, सिंपल और बहुत आला। हमारा पेट थोड़ी था, हमारी तो टैंकी थी, इसलिए हम पिज्जा ऑनलाइन चले गए थे। और फिर उन्होंने हमें 25% प्रोटोकॉल देते हुए ऊपर का रास्ता दिखाया कि ऊपर सीटिंग देख लें जाके। यहाँ पर रश इतना ज्यादा था कि मेन एरिया में आपको सीटिंग मिलने से मुमकिन कर, मेरी जुबान स्लिप होने से आपको पता लग गया होगा कि यार हमें सीटिंग नहीं मिली थी और हमें आउटसाइड सीटिंग दिखा रहे थे जो हमें पसंद नहीं आई थी। रश भी काफी था और सीटिंग भी हमें नहीं मिल रही थी, बाहर दिखा रहे थे जो हमें पसंद नहीं आई थी, तो हमारा मूड बदल गया, हमने सोचा अगली बार टेस्ट करेंगे। इसका पिज्जा मजे का तो बहुत होता है, इसलिए मैं रिव्यू इसका लाजमी करूंगा। तो जिस तरह इन्होंने हमें ऊपर का रास्ता दिखाया था, फिर मैंने सारों को नीचे का रास्ता दिखाया कि नहीं भाई इधर जगह नहीं, अगली बार आएंगे। हमारा मूड क्रिकेट बॉल की तरह स्विंग होता हुआ पिज्जा M21 की तरफ चला गया। अब इतनी दूर हम पिज्जा का रिव्यू करने आए थे कि यार कुछ आपको अच्छा दिखाएंगे, कुछ अच्छा भी खाएंगे आप, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना था ना, इसलिए हमने पिज्जा M21 का फैसला कर लिया। मैं कहा चलो इनकी थोड़ी प्रमोशन भी हो जाएगी, चला यार ये भी क्या याद करेंगे। इन्होंने फैमिली एरिया जो बनाया था बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ था, सबसे अच्छी बात लगी मुझे इनकी। जो हमने ऑर्डर दिया वो डील 1 का दिया जो कि 21 इंच पिज्जा का था, फ्लेवर्स इन्होंने इनके बेस्ट फ्लेवर्स ऐड करने का कह दिया। फिर जो फूड ऑर्डर करने के बाद करते हैं इंतजार, वो हमने भी किया, लेकिन इंतजार किसी को पसंद नहीं होता और हमें भी नहीं है। कहते हैं कि जितना इंतजार करे उतना खाना मजे का लगता है, आज इस बात का भी पता लग जाएगा इस बात में कितनी सच्चाई है। फाइनली हमारा 21 इंच पिज्जा आ गया जिसके लिए हमने 2599 रुपीज पे किए थे, और इस पिज्जा के अंदर उन्होंने अपने पिज्जा M21 के बेस्ट फ्लेवर्स ऐड किए थे जो कि वाकई मजे के थे। सॉस देखो ताकि आपके मुंह में भी पानी आए। हमने 21 इंच पिज्जे की भी आत्मा रोल दी और
मैकडॉनल्ड पिज्जा का टेस्ट बहुत मजे का था। 21 इंच वाला जो ट्रेंड था वो भी हमने फॉलो कर लिया। 21 इंच वाला शशका तो बहुत हैवी है। सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों का है जिनकी ट्रीट पेंडिंग रहती है, जिन्होंने ट्रीट देनी है, जिन्होंने ट्रीट लेनी है, वो चुप करके यहाँ पे आए, 2599 रुपीज पे करें, अपनी मर्जी के फ्लेवर्स भी ऐड करवा सकते हैं, वो करवाएं और हम पिज्जा M21 पे पिज्जा एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो में एंजॉय जरूर किया होगा। मैं आपको जरूर कहूंगा कि पिज्जा M21 का पिज्जा और लोधी शवारमा जरूर टेस्ट करें, आपको वाकई खा के मजा आएगा और आप एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि आज से पहले आपने ऐसा टेस्ट कभी खाया ही नहीं होगा। अगली बार इंशाल्लाह पिज्जा ऑनलाइन का रिव्यू करेंगे और कई ऐसी चीज़ों का रिव्यू करेंगे जो कभी आपने देखी नहीं होंगी, ना एंजॉय की होंगी। जो चीज़ की जाए अगर उसमें एंजॉयमेंट ना हो उसका फायदा ही कोई नहीं है। इसलिए मैं अपनी वीडियो में भी ये कहता हूँ, एंजॉय योर लाइफ विद द जॉय ऑफ वीडियोस। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।